अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के नोटिफिकेशन आइकॉन को जरूर हिट कर दीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनूप चौरसिया, आप देख रहे हैं बिकम क्रिएशंस। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑयल पेन डिफेक्ट की, जो कि सीपीईटी में बहुत ज़रूरी है और हम लोगों को पिक्सार्ट में ऑयल पेन डिफेक्ट बहुत अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं आज आपके लिए एक एप्लीकेशन लेके आया हूँ, वो प्ले स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम वहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं इसे। तो सबसे पहले अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेंगे हम, और प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ सर्च बार में लिखेंगे टूल भेजिए। देखिए ये प्रो एडिटर फोटोज, यहाँ पे देखिए आप इसका सिंबल देख लीजिए ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। ये देखिए मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद इसे सिंपली आपको ओपन कर लेना है। यहाँ से हम ओपन कर लेंगे। तो दोस्तों ओपन करने के बाद आप कुछ इस तरीका के इंटरफेस दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमें बहुत से ऑप्शन मिल रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ करना नहीं, जो पहला वाला ऑप्शन है प्रो एडिटिंग, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से हमें न्यू इमेज डालना होगा, तो हम लोग यहाँ से हम एक इमेज ले लेते हैं, जो मुझे ऑयल पेन डिफेक्ट बनाना है, जो भी फोटो उसका आप लोग देख लीजिए, आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं ये वाला ऑप्शन फ़ोटो ले लेता हूँ ऑयल पेन बनाने के लिए। दोस्तों ये फ़ोटो आ चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन यहाँ पे हमें चूज़ कौन करना होगा। यहाँ पे देखिए इफ़ेक्ट्स ऑप्शन दिख रहा है, ये देख लीजिए आप, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे उसके बाद शॉट, ये देखिए ये वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है, ये वाला जहाँ पे देखिए मेरी तीर चल रही होगी, आप लोगों यहाँ पर क्लिक कर देना है सिंपली, आपको कुछ करना। दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख होंगे कि यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट पे सिलेक्ट है, हम लोग जितना ऑयल पेंट अपने फ़ोटो में डालना चाहते हैं वहाँ से यहाँ से हम डाल लेंगे। तो यहाँ से मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो मैं यहाँ इस वाले पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए दोस्तों फ़ोटो ऑयल पेंट इफेक्ट हो चुका है, लेकिन अब हमें चेहरे से रिमूव करना है। तो यहाँ पर देखिए एक मक्स का आइकॉन मिल रहा हो, ये ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद इसे फेस से हम यहाँ से इसे रिमूव कर देंगे, इस पर हाथ चलाएंगे आप लोग तो हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसे रिमूव कर देंगे, यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा ऑप्शन पे लग गया है हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे। यहाँ पे जो भी जगह पे आप लोग रिमूव करना चाहते हैं यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और अगर आप लोग ज़्यादा इफेक्ट डालना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ एक्स ऑप्शन तक है, यहाँ तक आप कितना भी लगा सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए कितना ज़्यादा ऑयल पेंट इफेक्ट हो गया, आप जो जहाँ रखना चाहते हैं रख सकते हैं, जहाँ से रिमूव करना चाहते हैं रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा ऑयल पेंट इफेक्ट हो गया, आप लोग देख ही सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ से ये फ़ोटो डाउनलोड करके करनी है मुझे अपने गैलरी में, तो यहाँ पर देखिए ये ऑल ऑप्शन दिख रहा है, हम ये लोग यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर यहीं पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन दिखा रहा है एक्सपोर्ट का, तो इसे हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सपोर्ट क्वालिटी लिखा होगा, तो आप लोग यहाँ पे जितनी अपनी क्वालिटी करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ अपनी फ़ोटो की क्वालिटी फुल रख देते हैं, अब लोग हम यहाँ से सेव कर लेते हैं, इसे सेव एंड शेयर। देखिए दोस्तों हमारी फ़ोटो सेव हो चुकी है, अब हम यहाँ से बैक करके अपनी गैलरी में फ़ोटो देख सकते हैं। चलिए हम अपनी गैलरी में फ़ोटो देख लेते हैं। तो दोस्तों हम फ़ोटो वहाँ से एक्सपोर्ट कर चुके हैं, अब हम जाके अपनी गैलरी में देख सकते हैं। सबसे पहले अपनी गैलरी ओपन करनी होगी, उसके बाद यहाँ पे फोटोज आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर बन गया होगा,
ये देखिए यहाँ पे एक फोल्डर बन गया होगा, आप देख लीजिए। ये देखिए जो फोटो मैंने वहाँ पे सेव करी थी, ये देखिए 202 MB की फ़ोटो है मैंने, और देखिए उसी नाम से फोल्डर है। आप लोग देखते हैं, मैं आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ। ये देखिए टूल बेज फोटोस नाम से फोल्डर है और 2 MB की फ़ोटो है, आप लोग देख सकते हैं। क्वालिटी कम नहीं होगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लाइक करके बिल्कुल बताएं, और कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।